गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग अपने कंजंक्शन का होपफुली लास्ट चैप्टर, होपफुली नहीं कंफर्म लास्ट टॉपिक लेकर आ रहे हैं। हमने आपको जो फिनिश कराया था वो था एज इफ और एज दो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और एज इफ और एज दो का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कुछ बच्चों ने और डिमांड किया है। याद करो, अगर आप लोगों ने पूरा कम्प्लीटली देखा है लास्ट का, तो मैंने आपको सब्जेक्टिव मूड में एज इफ और एज दो को पढ़ाया। अगर आप एज इफ और एज दो को बहुत ही हल्के शब्दों में देखना चाहो, तो ये अगर सब्जेक्टिव की तरह आए, यानी कि हाइपोथेटिकल सेंटेंस की तरह आ रहा है, तो इनका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है ना, फिक्स्ड फॉर्मेट। वो क्या है, अभी आप देखिएगा, मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगा। या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, या तो हैड लास्ट वी थ्री है, और या तो वर। फाइन, ये इनका सब्जेक्टिव फॉर्म है। अगर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में चल रहे हैं, और अगर ये सेंटेंस सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है एज इफ और एज दो, तो ये जनरली हर सेंटेंस में बनाते हैं, हर टाइम और टेंस में बनते हैं। प्रेजेंट का ही बन सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी बन सकता है, फ्यूचर का भी बन सकता है। फाइन, इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ये एज इफ या एज दो हाइपोथेटिकल इम्पॉसिबल या काल्पनिक वाक्य बना रहे, इज इट क्लियर। एक ये हो सकता है कि एज इफ और एज दो में क्या चीज बेटर है, एज इफ और एज दो 100% इंटरचेंजेबल है बच्चों, केवल एज इफ का प्रयोग ज्यादा होता है एज दो के बनिस्बत, अदरवाइज एज इफ और एज दो 100% इंटरचेंजेबल है। कुछ कंजंक्शंस के एज इफ और एज दो के मैं एग्जांपल आपको करा दे रहा हूं, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते चश्मा लग चुका है मेरे, इतना लैपटॉप इस दौरान देख लिया है। शी टॉक्स एज इफ या एज दो शी नोज एवरीथिंग। ये सेंटेंस भी करेक्ट है, सिर्फ ये सेंटेंस सब्जेक्टिव मोड में नहीं है, और इसका मतलब ये सेंटेंस रियल है ना, वो बात ऐसे करती है जैसे कि वो सब जानती है। इसका मतलब शी नोज एवरीथिंग, शी डज नो एवरीथिंग। फाइन, अगर हम ऐसे कर दें, She talks again as if or as though, मैंने आपको बताया कि ये interchangeable है। ये format भी इसका correct है, मगर ये इसका कौन सा format correct है, subjunctive है ना। मैंने आपको last में बताया था कि subjunctive का मतलब fixed format, fixed structure है ना, और सब्जेक्टिव का मतलब एक और है, सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट। यहां तो खैर डिसएग्रीमेंट नहीं आप करेंगे, मगर अभी यहां पर आपको डिसएग्रीमेंट समझ में आएगा वर्ब वाले में। फाइन, ये इसका फिक्स फॉर्मेट है, ये वाला हो गया। फाइन, अगर आप ये बोलना चाहें शी टॉक्स एज इफ शी वुड नो एवरीथिंग, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। शी टॉक्स एज इफ शी वुड नो, फ्यूचर का वो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, केवल वो सब्जेक्टिव या हाइपोथेटिकल नहीं होगा। फिर आइए, शी सीम्स एज इफ या एज दो She had not slept for days. Fine, ये भी subjunctive है, तो subjunctive के साथ
सेंटेंस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एक्सेप्ट करता है. फाइन. प्रेजेंट में भी अगर हम यहां पर बोलते हैं शी स्लेप्ट, एज इफ आई एम सॉरी शी स्लेप्ट बोल रहा हूं, शी सीम्स एज इफ या एज दो. आई होप आप लोग बच्चों उतारते चल रहे हो मेरे साथ साथ. She had not slept for days. ये भी करेक्ट है. फाइन. मगर ये दोनों क्या सेंटेंस है? हाइपोथेटिकल, काल्पनिक. फाइन. मगर अगर हम ये कर दें, She seems as if या एज दो, एज इफ एज दो मैं बार बार साथ में लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये इंटरचेंजेबल है. शी हैज नॉट स्लेप्ट फॉर डेज, ये सेंटेंस भी करेक्ट है. केवल ये रियल कंडीशन. इज इट क्लियर? सो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर वी टू या हैड प्लस वी थ्री चल रहा है, एग्जाम्पल्स आपने देख लिए. फाइन. तो ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस के फॉर्मेट में जाता है. इसके अलावा अगर ये अपने और किसी फॉर्मेट में आ रहा है या प्रेजेंट के फॉर्मेट में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये हाइपोथेटिकल नहीं. क्लियर? तो इतने फॉर्मेट एज इफ या एज दो के होते हैं. वर, ये लास्ट लेक्चर देखो तो मैंने वर्ब का बहुत ही क्लियर बताया हुआ है कि इज वॉज ये दोनों वर्ब में बदल जाएंगे 100%. शी टॉक्स, एज इफ या एज दो, शी वर अ किंग, क्योंकि इसमें वर्ब के फॉर्मेट नहीं है, मेन वर्ब नहीं है इसमें, है ना. तो ये किसका बदल है? अगर वॉज है या इज है या अगर वर ही है तो वर वर में रहेगा और वॉज भी वर में चेंज होगा और इज भी वर में चेंज होगा. ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, हर हाल में इज या वॉज वर में चेंज होगा ही होगा. क्लियर? तो आई थिंक इतना मैंने आपको और चीजों को बताया हुआ था, कुछ क्लेरिफिकेशन था कुछ और एग्जाम्पल से, तो मैंने आपको एज इफ और एज दो बता दिया. और कोई अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो आप अपने इंटरेक्टिव सेशन में बच्चों पूछ सकते हैं. एज इफ और एज दो के बाद जो दो चार कंजंक्शंस बचे, ज्यादा कंजंक्शंस बचे नहीं है क्योंकि ज्यादातर कंजंक्शंस हम लोग कर चुके. आप लोग लेक्चर को प्रॉपरली सुने होंगे तो ठीक है. इसके बाद जो कंजंक्शन मैंने इम्पॉर्टेंट है और जो डिसाइड किया है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है लेस्ट का शब्द. बहुत ही इजी कंजंक्शन है, सिर्फ दो चार बातों को ध्यान में रखना है. कंजंक्शन के एरर आप कर ले जाइएगा. ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो सलाह देता है. सलाह देता है किस मीनिंग में? नहीं तो, फाइन. और उसके बाद हो जाने वाली संभावनाओं को बताता है. नहीं तो ये हो जाएगा, इस तरीके से ये सेंटेंस बनाता है, है ना. Walk fast, तेज चलो, lest you should not reach on time. Fine. बात किस चीज को ध्यान रखना है कि
शुड जो है ये आपका होना अनिवार्य है स्ट्रक्चर में, फाइन। अगर इसके जगह पर आपने बच्चों कर दिया मे वुड विल एनी मॉडल दैट वुड बी एब्सोल्यूटली रॉन्ग, दैट वुड बी एब्सोल्यूटली रॉन्ग, फाइन। हाँ, एक बात को ध्यान रखना है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। इफ राम वर्क्स very hard lest he fails in the examination, yeah he fails in the examination, मान लो बच्चों मैं ये बोल रहा हूं और आप इतना हिस्सा भूल जाओ, केवल हम इतना आपको दिखाएं, तो आप कहेंगे सर आपका पहला वाला स्ट्रक्चर गलत है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर करेक्ट होगा क्योंकि होना चाहिए ही के साथ V5, ही फेल्स इन द एग्जामिनेशन। मगर क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है इसलिए आपने या तो शुड लगाना है, या तो शुड मॉडल लगाना है, या कोई भी मॉडल ना लगाइए, मगर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। एस या ईएस लगा दोगे तो वो एरर हो जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो या तो आपको शुड लगाना है और या फिर आप कोई भी मॉडल ना लगाएंगे तो भी आप लेस्ट कंजंक्शन को चला सकते हैं। दो बातें, तीसरी बात, लेस्ट एक ऐसा कंजंक्शन है, एक्चुअली ये वैसे तो एडवर्ब है, ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो कि अपने आप में ही नेगेटिविटी लिए हुए है, नहीं तो, तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने कर दिया वॉक फास्ट येट आई एम सॉरी जो बच्चे हैं उनको ध्यान से देखिए, मैंने जल्दी में ये गड़बड़ कर दिया। जो हिस्सा लेफ्ट से बना है, लेफ्ट यू शुड रीच ऑन टाइम केवल करना है ना, अगर आपने यहां पर नॉट लगा दिया तो वो एरर हो जाएगा, फाइन। दैट वॉज माई केयरलेसनेस दैट आई डिड, इसको वापस बहुत ध्यान से देख लेना। लेफ्ट से बना हुआ कभी भी नॉट नहीं ले सकता, इस बात को ध्यान से देखना। मैं एक सेंटेंस और बना दे रहा हूं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट पास, ये गलत है, फाइन। और होना क्या चाहिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, क्लियर। सो लेफ्ट से वो हिस्सा जो लेफ्ट से जुड़ा हुआ है, वो हिस्सा कभी भी नॉट और नेवर नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि लेस्ट पहले से ही नेगेटिव एडवर्ब, और ये बात जनरल है, कोई भी नेगेटिव एडवर्ब, हार्डली, बेरली, स्कार्सली, नेवर, सेल्डम, फाइन, ये जितने भी नेगेटिव एडवर्ब्स हैं ये अपने साथ नॉट और नेवर लेंगे तो सेंटेंस सुपरफ्लोस हो जाएगा। सो ये मैंने गड़बड़ कर दिया था, आपने आई होप उसको कैच कर लिया होगा और उसको अब ठीक हो गया, फाइन। सो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, या केवल बोल दो वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल और आप शुड ना लगाओ, है ना। जो हिस्सा लेफ्ट के अलावा वाला कंजंक्शन है, इस सेंटेंस को आपको अगर ठीक करना है, आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप पहला वाला पार्ट
निगेटिव में बनाना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे राम डज नॉट ईट राइस लेस्ट ही शुड बिकम फैट। तो अगर आप राम चावल नहीं खाता ताकि वो मोटा ना हो जाए, तो अगर आप पहला वाला हिस्सा नेगेटिव बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बना सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं। केवल ये वाला हिस्सा शुड ही होगा या कोई भी मोडल नहीं होगा और नेगेटिव नहीं हो सकता। आई होप मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया हो, रिमाइंड करके एक बार देख लेना एंड इट शुड बी क्लियर फाइन। एंड बिकॉज ऑफ माई केयरलेसनेस आई डिड दैट, मगर अब मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई फाइन। सो लेस्ट का कंजंक्शन में इतना ही मुझे बताना है, इतना ही है। दूसरी बात, अब जो कंजंक्शन आपको देखना है वो है टी डबल ओ टू। ये भी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, एडवर्बियल कंजंक्शन है और इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। पहले आप सिर्फ देखिए टू, फाइन। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टी डबल ओ टू एंड वेरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे राम इज वेरी टॉल, अगर आपने बोला कि राम बहुत लंबा है, ये राम की तारीफ है, फाइन, ये राम की तारीफ है। मगर अगर आपने बोल दिया राम इज टू टॉल, ये सेंटेंस भी करेक्ट है मगर इसका मतलब ये एक सटायर है, फाइन, ये एक तंज है। मीनिंग क्या हो जाएगी, राम कुछ ज्यादा ही लंबा है। फाइन, तो अगर आप किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं और निगेटिविटी में कुछ ज्यादा ही बोलना की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए टी डबल ओ टू, और अगर आप तारीफ कर रहे हैं तो टी डबल ओ टू का यूज गलत हो जाएगा और आपको करना चाहिए वेरी। अब ये तो आपको सेंटेंस से निकालना है। जैसे अगर मैं ये कह दूं राम इज वर्किंग टू हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। फाइन, इसका मतलब यहां पर ये टू गलत है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस है ना, ताकि वो अच्छा नंबर पा सके। तो ये तारीफ की बात है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है कि तंज है या बुराई है, तारीफ है। तो आपको बोलना है राम इज वर्किंग वेरी हार्ड सो दैट ही मे गेट द गुड मार्क्स। अभी हम लोग केवल टी डबल ओ टू डिस्कस कर रहे हैं, फाइन। मगर आप अगर निगेटिव बोलें और उसके बाद उस चीज के बारे में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दें उसके सपोर्ट में चलते हुए, एड ऑन इंफॉर्मेशन जिसको आप बोल सकते हैं, जैसे द टी इज टू स्वीट टू ड्रिंक, अब जब आप टी डबल ओ टू के साथ जो एड ऑन जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देंगे वो इंफॉर्मेशन हमेशा टी ओ टू से जुड़ेगी, फाइन। इसलिए हम लोग कहते हैं टी डबल ओ टू का जोड़ा टू, फाइन। तो अगर आपने केवल
टी डबल ओ टू तक रखा हुआ है तो टी डबल ओ टू एक एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? नेगेटिव एडवर्ब है जो कि नेगेटिव एडजेक्टिव जो कि एडजेक्टिव की व्याख्या नेगेटिविटी में करता है। राम इज टू स्वीट, इसका मतलब राम कुछ ज्यादा ही अच्छा है। इसका मतलब आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि राम अच्छा नहीं है। क्लियर? आई थिंक ये आपको क्लियर है। एक और यूज एडवर्ब का है जो टू को आप यहां पे समझ लीजिए, जो बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। टू का एक यूज ऑल्सो से भी मिलता है, क्योंकि टू का मतलब भी होता है भी और ऑल्सो का मतलब भी होता है भी। फाइन, यहां पर ये एज अ प्रेपोजिशन भी यूज होता है जब ये ऑल्सो का बदल होता है। जैसे राम और श्याम भी कल खेलने गए थे। राम एंड ऑल्सो श्याम, एंड श्याम ऑल्सो एंड ऑल्सो श्याम वेंट टू प्ले यस्टरडे। फाइन, सो यहां पर अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो आप ऑल्सो लगाते हैं, मगर अगर आप इस ऑल्सो का प्लेस इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएं कि सेंटेंस के लास्ट में भी लाएं, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी सेंटेंस के लास्ट में भी की मीनिंग में ऑल्सो नहीं आ सकता। इसीलिए कभी कभी नॉट ओनली बट ऑल्सो में ऑल्सो मेंशन ही नहीं करते। फाइन, जैसे राम वेन टू प्ले एंड श्याम, अब यहां पर अगर आपने बोला ऑल्सो तो ये एरर हो जाएगा और ये हो जाएगा टू। फाइन, इज इट क्लियर? तो हमने टू डबल ओ टू में कितनी बातें सीखी। पहली तो ये एक इंडिविजुअल एक एडवर्ब है जो कि नेगेटिव एडवर्ब है और तारीफ में कभी भी टू का यूज नहीं होता। टू का यूज सटायर में या कटाक्ष करने में यूज होता है। अगर आपने टू को नेगेटिव मीनिंग में यूज किया है और उसके बाद उसके सपोर्ट में कुछ एड ऑन दिया है तो वो एड ऑन हमेशा टी ओ टू कंजंक्शन एज अ प्रेपोजिशन, जो प्रेपोजिशन है वो सेंटेंस को आगे बढ़ाएगा। एक टी डबल ओ टू प्रेपोजिशन की तरह भी की मीनिंग में आता है, तब ये ऑल्सो का भी इंटरचेंजेबल है, मगर पोजिशन के हिसाब से टू अगर वाक्य का अंतिम शब्द है तो लगना चाहिए, है ना। एक और तरीका है, अगर आप नाउन के तुरंत बाद, ये यूज नहीं होता, वो मेरे दिमाग में आ गया तो मैं आपको बताता चल रहा हूं। राम के नाउन के तुरंत बाद अगर आपको यूज करना है तभी आप टू का यूज कर सकते हैं। जैसे आप ये भी बोल सकते हैं, राम टू वेंट टू प्ले क्रिकेट यस्टरडे। फाइन, नाउन के तुरंत बाद भी आप टू का यूज कर सकते हैं। ये कम यूज होने वाला स्ट्रक्चर है मगर करेक्ट। आई होप बच्चों तुम लोग उतारते चले जा रहे हो कि मैं जो जो चीजें आपको बता रहा हूं। तो इतनी बातें हैं टी डब्ल्यू टू का जोड़ा टू में। इसके बाद जो कंजंक्शन हम लोगों को डिस्कस करना है एक दो एग्जाम्पल मैंने और बनाए हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपके नोट्स में कुछ और इनन्सिएशन हो जाए। द न्यूज इज टू गुड। अच्छा, मान लो अगर मैं सेंटेंस यहीं पर छोड़ दूं तो ये सेंटेंस गलत हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपको बोलना चाहिए द न्यूज इज वेरी गुड। जब तक कि आपको इसके कंटेक्स्ट के बारे में ना पता हो कि ये नेगेटिव मीनिंग में बोल रहे हैं, तब तक आप टी डब्ल्यू टू का यूज नहीं कीजिए। मगर अगर आपने बोल दिया द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, फाइन, अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया कि ये न्यूज़
इतनी अच्छी नहीं है कि सच होनी चाहिए, है ना, नेगेटिव मीनिंग में आ गया। इस सेंटेंस को आप एक और तरीके से बना सकते हैं, वो भी लिख लीजिएगा। सो दैट कंजंक्शन हम मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उसे भी बना सकते हैं। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। न्यूज इतनी अच्छी है कि मुझे नहीं लगता कि वो सच होनी चाहिए। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अच्छा, मैंने पहली बार थोड़ा सा मीनिंग में गड़बड़ बोल दिया। न्यूज कुछ ज्यादा ही अच्छी है कि यकीन किया जा सके कि वो सच है ना, यानी कि वो यकीन करने जाने वाली न्यूज नहीं है। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। फाइन, इतना आपको जानना था TOO का पेयर टू में। उसके बाद कंजंक्शन जो मुझे आपको पढ़ाना है वो बहुत मामूली कंजंक्शन है, और वो है अनलेस और अनटिल। फाइन, जैसे इन कंजंक्शंस को देख रहे हैं मेरे दिमाग में सबसे पहले चार कंजंक्शन आने लगे, इफ, हैड, अनलेस, अनटिल। हो सकता है आपके सामने भी ये कंजंक्शंस याद आ रहे होंगे आपको, इफ, हैड, अनलेस, अनटिल। ये कंजंक्शन किस फॉर्मेट में हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं? कंडीशनल सेंटेंस के। और भी कंजंक्शन हैं जो कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं, मगर जनरली इफ, हैड, अनलेस और अनटिल कंजंक्शन जो है वो कंडीशनल सेंटेंस। तो पहली बात तो अगर आपने ये देखा तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर कौन सा होगा? चार स्ट्रक्चर, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ अगैन, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट का सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट का वुड या शुड, पास्ट परफेक्ट का वुड हैव या शुड हैव, है ना। ये जो आपको याद आ रहा है कि दो कंजंक्शन रियल, दो स्ट्रक्चर रियल वाले, दो स्ट्रक्चर अनरियल वाले, ये वो हैं, है ना। जो बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो टेंसेस के लास्ट कंडीशनल सेंटेंस को पढ़िएगा तो वो आपको मिल जाएगा, मैंने पढ़ाया है, आप वो देख लीजिएगा। सो अनलेस और अनटिल में जो पहली बात बच्चों हम लोगों को ध्यान रखनी है वो क्या है? कंडीशनल सेंटेंस। ये वाक्य को कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अनलेस और अनटिल दोनों की मीनिंग तो सेम है। अनलेस की भी मीनिंग वही है, जब तक नहीं, और अनटिल की मीनिंग भी वही है, जब तक नहीं। और अनलेस और अनटिल ज्यादातर इंटरचेंजेबल हैं। आप जहां अनलेस लगा सकते हैं वहां पर अनटिल भी लगा सकते हैं, मगर अगर साफ साफ आपको कंडीशन या शर्त दिख रही है तो किसका लगाना चाहिए? अनलेस का। और अगर साफ साफ समय की बात हो रही है जब तक नहीं की मीनिंग में, तो आपको क्या लगाना चाहिए? अनटिल। अनटिल इट इज 1 आवर, या अनटिल आई टीच फॉर 1 आवर आई विल नॉट लीव द क्लास। जब तक कि मैं 1 घंटा नहीं पढ़ाता मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा। फाइन, तब आपको अनटिल लगाना है। फाइन, मगर अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट पास इन द एग्जामिनेशन, इसमें आप अनटिल भी चला सकते हो। फाइन, सो अनलेस और अनटिल में ज्यादातर एक दूसरे पर इंटरचेंजेबल हैं। अगर आपको कभी इन दोनों में से किसी एक के ऊपर जाना है तो इन बातों का ध्यान रखना है। फाइन, तीसरी बात, अभी आपने पढ़ा हार्डली, बेडली, स्कार्सली, नो सूनर, लेस्ट, नेवर, नॉट ओनली। फाइन, ये सब जो कंजंक्शंस हैं और उनमें ही आ गया अनलेस और अनटिल। वाक्य का वो हिस्सा जो अनलेस या अनटिल क्लॉज से जुड़ रहा है, वाक्य का वो क्लॉज
जो अनलेस या अंटिल कंजंक्शन से जुड़ रहा है उसमें नॉट या नेवर यानी निगेटिविटी का यूज करना सुपरफ्लुअस हो जाएगा। आई विल नॉट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करूंगा अनटिल, अब यहां पर अनटिल और अनलेस दोनों का प्रयोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, ही अपोलोजाइजेस, फाइन, मैं उससे बात नहीं करूंगा, फाइन, यहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं, नेगेटिव बना रहे हैं नेगेटिव, पॉजिटिव बना रहे हैं पॉजिटिव, अनटिल ही, अगर आपने कहा अनटिल ही डज नॉट अपोलोजाइज तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना कंजंक्शंस में कि अगर निगेटिविटी आ गई है, निगेटिव एडवर्ब्स कंजंक्शन बना रहे हैं, वाक्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो फिर निगेटिव चीजों को लाना सुपरफ्लुअस हो जाएगा, फाइन। सुपरफ्लुअस से मुझे एक बात और ध्यान आ रही है, मैं आपको एक मामूली सा एरर है, बार बार आता है, तो उस चीज को मैं बताते चलूं। अगर आपका सेंटेंस, आई होप आपने उतार लिया होगा, अगर आपका सेंटेंस द रीजन वाई से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका सेंटेंस द रीजन वाई से स्टार्ट हो रहा है तो आप देखिए कि उसको जोड़ने वाले कंजंक्शन कभी भी बिकॉज, ओइंग टू या ड्यू टू नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों कारण बताने वाले कंजंक्शन है और सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना देंगे। द रीजन वाई आई एम लेट टुडे इज बिकॉज बिकॉज इट इज रेनिंग। द रीजन वाई आई एम लेट टूडे बिकॉज इट इज रेनिंग, ये क्या हो गया? सुपरफ्लुअस हो गया, है ना। यहां पर आप अगर लगाना चाहें कॉमा भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल इज दैट इट इज रेनिंग कर सकते हैं। फाइन, सो इस बात का ध्यान रखिएगा, द रीजन या द रीजन वाई दोनों एक्सेप्टेड हैं। इससे अगर आपने जोड़ा तो बिकॉज, ड्यू टू या ओइंग टू, ये तीनों कारण बताने वाले कंजंक्शन का यूज नहीं होना चाहिए। आई होप ये बात को भी आपने उतार लिया हो, मामूली सी बात है, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे उन्होंने इन सब चीजों को बहुत बार देखा होगा। फाइन, फिर एक मामूली सा कंजंक्शन और है जो मैंने नोट किया है, एक लाइन्स के कंजंक्शन है, सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर। सेल्डम या सेल्डम इफ एवर फाइन, एडवर्ब है, तीनों एडवर्ब है, फाइन, और इन तीनों का मोरलेस मीनिंग भी सेम ही है ना, स्ट्रक्चर भी मोरलेस तीनों का सेम है, मोर और लेस सेम है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, ऑफन अक्सर, रेगुलरली लगातार, रेयरली बहुत कम, नेवर बिल्कुल नहीं, मगर रेयरली और नेवर के बीच में आता है कभी कदार, कभी कदार। बहुत मशहूर एग्जाम्पल तुम लोगों ने सुना होगा, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो भौंकते हैं वो कुत्ते काटते नहीं, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, फाइन, मगर बहुत परेशान करोगे तो कभी कभी काट भी सकते हैं, फाइन। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, नहीं काटते मगर कभी कभी काट भी सकते हैं।
तो वही मीनिंग हो गई सेल्डम। फाइन, सेल्डम इफ एवर से भी एक सेंटेंस बनाया जा सकता है, सेल्डम और नेवर से भी वही सेंटेंस बनाया जा सकता है। केवल इन दोनों के साथ आप कुछ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन को भी जोड़ सकते हैं। फाइन, केवल सेल्डम के साथ इन्वर्जन चलता है, सेल्डम इफ एवर के साथ इन्वर्जन नहीं चलता क्योंकि इसके साथ एवर आ जाता है, सेल्डम और नेवर के साथ भी इन्वर्जन चलता है। फाइन, इतनी बात नोट कीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो एग्जांपल ऐसा है जो तीनों पे चलेगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि अतिरिक्त इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं। आई सेल्डम प्ले क्रिकेट, आई seldom if ever play cricket, I seldom or never play cricket। Fine, आप अगर देखिए तो मैं इन तीनों की मीनिंग क्या दे सकता हूं, मैं शायद ही क्रिकेट खेलता हूं। फाइन, मैं शायद ही क्रिकेट खेलता हूं। इन तीनों की सेम मीनिंग है बच्चों, सेम मीनिंग है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर सेल्डम इफ के साथ आ रहा है तो एवर ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, और सेल्डम और के साथ आ रहा है तो नेवर और ये भी फिक्स्ड है ना। तो एक तो एरर कभी कभी मामूली आता है फिल अप द ब्लैंक्स में या गैप्स भरने में, कि सेल्डम इफ आ गया और गैप कर दिया, या सेल्डम नेवर आ गया और बीच में गैप कर दिया, देन यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट इट कि सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर, तीनों की मीनिंग सेम। फाइन, इन्वर्जन मैंने तो इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें इन्वर्जन लगा ही नहीं सकते। आप अगर कह दीजिए और सेल्डम इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, सेल्डम पहले लग दो तो क्या हो जाएगा, डू आई प्ले क्रिकेट, है ना। सेल्डम और इफ एवर इसमें नहीं लगाओगे, मगर अगर आप ये बोलें सेल्डम और नेवर तो फिर आपको बोलना पड़ेगा डू आई प्ले क्रिकेट, है ना। केवल इफ एवर और नेवर में आप अतिरिक्त इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं जो इसमें नहीं दे पाइएगा केवल सेल्डम में। बस इतना थोड़ा सा है, इस लेवल पे क्वेश्चन मैंने तो बहुत ही रेयर देखे हैं। जैसे मैं शायद ही क्रिकेट खेलता हूं, है ना, मगर अगर कभी खेलता हूं तो अपने दोस्तों के साथ। तो आपके क्योंकि एवर मतलब अगर कभी, तो आई सेल्डम इफ ever play cricket with my friend, I seldom if ever play cricket, I play with my friends। Fine, तो आप इसमें if ever के वजह से कुछ information और बढ़ा के भी लिख सकते हैं, कभी नहीं अगर कभी, मैं cricket शायद ही खेलता हूँ, मैं cricket शायद ही खेलता हूँ मगर कभी कभी अपने दोस्तों के साथ खेल लेता हूं, ये आप बढ़ा सकते हैं, है ना, कॉमा लगा के बढ़ा दीजिए। मैं क्रिकेट नहीं खेलता और अजनबियों के साथ तो कभी भी नहीं खेलता हूं, आई सेल्डम प्ले क्रिकेट, मैं शायद ही क्रिकेट खेलता हूं तो और अजनबियों के साथ तो कभी नहीं, तो हम ऐसे कैसे बोलेंगे, आई सेल्डम और नेवर प्ले क्रिकेट विद स्ट्रेंजर्स। फाइन, तो इनमें और इनमें आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं इफ एवर या और नेवर की वजह से, केवल सेल्डम में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम नहीं डालते। फाइन, इसमें और इसमें इन्वर्जन लगता है। आई होप मैंने आपको क्लियर करा दिया है, इसको आप स्टॉप करके रिवाइंड करके एक बार सुन लीजिएगा और स्ट्रक्चर में आपके सामने। तो बच्चों मेरे हिसाब से कंजंक्शन में जो मोटी मोटी बातें थी
वो मैंने आपको कवर कराई है, और पूरी की पूरी चीज डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपके प्रैक्टिस के ऊपर। आपको मैं इंटरैक्टिव क्लास एवरीडे दे रहा हूँ, एवरीडे, और अल्टरनेट डे, जाहिर सी बात है आपकी क्लास अल्टरनेट डे होगी, मैं तो एवरीडे पढ़ा रहा हूँ अलग अलग बैचेस को। आपका कंजंक्शन का जो भी एरिया फंस रहा है आप अपने इंटरैक्टिव सेशन में उसको टिकअप कर सकते हैं। याद कीजिए, परसों मैं जब अपना क्लास रिकॉर्ड करने के लिए सोच रहा था तो मैंने जो टारगेटेड बैच है 100+ वाला जो बैच हम लोगों ने टारगेट बैच बनाया हुआ है मेंस का, उसमें एक मैसेज डाला कि आप बच्चे जो भी क्वेश्चन चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं आप लोगों का इस सेशन में, अपने सेशन को कंजंक्शन के ख़त्म होने के बाद, वो अपने क्वेश्चंस भेज दीजिए। तो 4-5 क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, उसमें एक आध क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं ले आया हूँ, उन क्वेश्चंस को मैं अभी आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके अलावा आप नीचे कमेंट में अपने क्वेश्चंस और अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, मैं अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से जब मुझको टाइम मिलेगा तो मैं उसमें उसके आंसर्स या उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अदरवाइज जो बच्चे दिशा के हैं उनसे तो मेरा राबता कायम ही रहता है, वो थ्रू आउट द वीक एट सर्टेन इंटरवल्स हम लोग मिलते हैं, आप तब हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन मेरे सामने आया हुआ है, मैं बच्चों का नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन ही लेकर आ रहा हूँ। उसमें एक क्वेश्चन है कि सर नॉनदलेस कंजंक्शन को क्लियर कर दीजिए उसकी मीनिंग, और उसने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है, आई लव, ये चश्मा भी आप ही लोगों की देन है, इसी 15 दिन में लग चुका है। द कलर्ड डैश, आई लव द कलर होना चाहिए, दिस शेड ऑफ रेड सीम्स अ लिटिल टू ब्राइट, ये क्वेश्चन है। और उसमें ऑप्शन जो मुझे मिले हैं वो है देयरफॉर, नॉनदलेस, इनफैक्ट, और एंड। फाइन, देखिए नॉनदलेस कंजंक्शन का मतलब होता है हालांकि, हाउ एवर की मीनिंग में नॉनदलेस आता है ना। जैसे अगर आप ये कहते कि मुझे ये शर्ट नहीं पहननी है, हालांकि इसका कलर उतना खराब नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू वेयर दिस शर्ट, नॉनदलेस द कलर इज गुड, द कलर इज ब्यूटिफुल, इन दैट वे यू हैव टू पुट नॉनदलेस। ये कह रहा है आई लव द कलर, मुझे ये कलर पसंद है, उसके बाद उस चीज के बारे में आपको एक तथ्य दे रहा है और कह रहा है आई लव द कलर, दिस शेड ऑफ रेड सीम्स लिटिल टू ब्राइट, है ना। अब यहां पर हालांकि नहीं बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं इन फैक्ट दिस शेड ऑफ रेड सीम्स लिटिल टू ब्राइट, मगर मुझे रेड कलर पसंद है, ये एक अलग बात हो गई, है ना, ये अलग बात हो गई। मगर कह रहे हैं मगर ये जो रेड शेड है ये असल में कुछ ज्यादा ही ब्राइट है। तो यहां पर नॉनदलेस का यूज ही नहीं हो रहा है, है ना। मैं क्या आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको नॉनदलेस और क्लियर हो जाएगा। जैसे
आप नोट करो जो भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। देयर इज अ लॉकडाउन इन द सिटी, शहर में लॉकडाउन है, नंदलेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड कंजंक्शन है ना, हालांकि आई स्टिल कम, टू रिकॉर्ड द लेक्चर है ना। देर इज अ लॉकडाउन इन द सिटी, सिटी में लॉकडाउन है, हालांकि मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए आता हूं। फाइन, सो अगर आप कॉन्ट्रास्ट बताएं, कॉन्ट्रास्ट क्या है कि एक तरफ कह रहा है कि वो लॉकडाउन है ना, और उसके बाद एक कॉन्ट्रास्ट स्थिति बता रहा है, किस मीनिंग में, हाउएवर या हालांकि की मीनिंग में, तो आपको लगाना चाहिए नंदलेस। इज इट क्लियर? नंदलेस, और हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए कि नंदलेस और नेवरदलेस में क्या अंतर है, मोरलेस ये सेम है, केवल नंदलेस जो होता है वो किसी ऐसी चीज के लिए होता है जिस चीज को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, और आपका नेवरदलेस सिचुएशन के लिए आता है, सिचुएशन के लिए, हालात के लिए। एक एग्जांपल आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें आपको नंदलेस और नेवरदलेस के बारे में भी क्लैरिटी आ जाएगी। I kept losing money until I was left with none. आपको यहां तक की मीनिंग क्लियर हो गई होगी, मैं अपना पैसा गवाता रहा, आई केप्ट लूजिंग माई मनी अनटिल, जब तक कि क्या टाइम नहीं आ गया, आई वॉज लेफ्ट विद नन, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, उसके बावजूद, हालांकि। अब आप देखिए क्या मीनिंग आएगी, द excitement was worth it nonetheless, है ना। ये जुआ खेल रहे होंगे, कोई भी खेल खेल रहे होंगे, ये कह रहे हैं कि I kept losing money, मैं अपना पैसा हारता गया जब तक कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, हालांकि वो जो एक्साइटमेंट था वो वर्द था, है ना, जो खेल में जो एक्साइटमेंट आ रहा था वो, उतना पैसा हार गया उसलिए कोई फर्क नहीं आया, वो वर्द था। तो हालांकि किसके लिए आया, एक्साइटमेंट। ये एक्साइटमेंट क्या कर पा रहे हैं आप, जो खुशी, द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस, जो अमाउंट ऑफ खुशी थी वो इतनी थी कि उतना पैसा हारना सुवारत हो गया, उतना पैसा हारना ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इस सेंस में नंदलेस बोलेंगे, हालांकि ही मीनिंग है, मगर जिस चीज के लिए आ रहा है एक्साइटमेंट उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। इसी सेंटेंस को हम ऐसे जगह बनाएं जहां पर हालांकि हो मगर सिचुएशन आ जाए और आप क्वांटिफाई करने जैसी कोई चीज ना हो, तो आप देखिए नेवरदलेस लगाएंगे, जैसे
आई नेवर बिलीव्ड दैट आई would lose all the money nevertheless I continued to play I never believed that I would lose the money, I would lose all the money. मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सारा पैसा हार जाऊंगा. हालांकि however, contrast में आया I continued to play, मैं खेलता रहा. अब इसमें कोई quantify किसी चीज को आप नहीं कर रहे हैं, मगर इसमें क्या कह रहे हैं, amount जो excitement का था हालांकि वो बहुत अच्छा था, है ना, हालांकि पैसा बहुत था. Fine. So this is the difference between nevertheless and nonetheless. ये दोनों compound conjunctions हैं. उसके बाद एक और student का question था. ये जो lecture है ये मैं अपने mind में दिशा के student को ही रखकर बना रहा हूँ. तो इसमें अगर कोई student ऐसे हैं जो कि हमारे student नहीं हैं, तो ये जान लें कि ये मेरे स्टूडेंट ने ही क्वेश्चन भेजे हैं, उन्हीं को मैं टेकअप कर रहा हूँ. आपका अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको कवर अप कर दूंगा. फिर क्वेश्चन था, आई नीडेड दैट मनी so desperately it was like manna from heaven when it arrived ये क्वेश्चन था और बच्चे ने कहा था कि सर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दीजिए. शायद जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको सो का अलग अलग यूज बताया था और सो एस कंजंक्शन को भी बताया था, सो दैट कंजंक्शन को भी बताया था, उतना की उतना जैसे. फाइन. आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली, यहां तक अगर आप सेंटेंस बोलते तो सो का यूज आ रहा है, है ना. मैंने मुझे उस पैसे की इतनी जरूरत थी कि वो जैसे कि मना फ्रॉम हेवन था जब वो पैसा आया. अब यहां पर उतना की चल रहा है ना, तो फिर ये तो फिक्स्ड कंजंक्शन का जोड़ा आ गया ना बच्चों. और बार बार आपको मैंने पहले ही बताया कि कंजंक्शन में, पेयर वाले कंजंक्शन में कॉमा का यूज आप नहीं कर सकते, तो ये कॉमा वुड बी रॉन्ग. फाइन. और यहां पर आपको लगाना पड़ेगा दैट इट वॉज लाइक मना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड. मना फ्रॉम हेवन के एक्सप्लेनेशन अगर आप जानना चाह रहे हैं तो ये मुस्लिम मैथोलॉजी में भी है और क्रिश्चियन मैथोलॉजी में भी है कि जब इसराइल के कुछ लोग कई सालों तक अराउंड 40 इयर्स तक डेजर्ट में थे मोजेस के टाइम पर, है ना, मोजेस के टाइम पर. मोजेस क्रिश्चियंस के और मुस्लिम्स के एक इनफॉलिबल हैं. तो वो लोग स्टार्व करने लगे और जो स्टार्व करने के टाइम पर जो भगवान के तरफ से, अल्लाह के तरफ से जो खाना आया था उनके पास, जो ईटेबल आया था, उसका नाम था मना. फाइन. सो ऐसी चीज थी दैट पीपल नीडेड सो डेस्परेटली, है ना, क्योंकि उनको खाना की बहुत तलाश थी और वो ऐसा था. अब उसका डिटेल आप जाकर नेट पे पढ़िएगा कि वो ऐसा खाना था जिससे उनकी आंखों के जो इन्फेक्शंस थे वो भी ठीक हो गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो मना फ्रॉम हेवन उस कंटेक्स्ट में है व्हेन इट अराइव्ड.
इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं टेकअप कर ले रहा हूँ, तो मुझे आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years ago since he wrote a letter to me to remind me of my lapses। इसमें जो स्टूडेंट था उसने कहा था कि सर यहां पर सिंस का यूज तो करेक्ट है, फाइन। इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years एगो सिंस। बेटा एगो और सिंस ये दोनों समय बताने के लिए विरोध में बोल रहे हैं। अगर आपका सेंटेंस में सिंस आपको लगाना होता तो सेंटेंस में होता इट हैज बीन ऑलमोस्ट 10 years एगो सिंस ही रोट अ लेटर टू मी, है ना, 10 साल हो गए हैं जब से उसने मुझे लेटर लिखा, फाइन। तो फिर आपको इस पार्ट में भी एरर करना पड़ता, एगो भी हटाना पड़ता, फाइन। तो फिलहाल आपका एरर क्या है कि एगो और सिंस ये दोनों अलग अलग एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं और इसलिए सुपरफ्लुअस हैं, क्लियर। आप इस सेंटेंस में आप सिंस हटा दीजिए, केवल हो गई इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years एगो, है ना, ही रोट अ लेटर टू मी, या वेन लगा दोगे तो भी चल जाएगा, क्लियर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आज मुझे लेना है, वो क्वेश्चन मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। और एक बच्चे ने पूछा, नॉट विदस्टैंडिंग हिज फ्रीक्वेंट इन डिस्पोजिशन ही डिलीजेंटली अटेंडेड ऑल द कोर्ट्स हियरिंग, फाइन। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए, नॉट विदस्टैंडिंग ये भी एक कंपाउंड कंजंक्शन है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज के समर्थन में ना होना। Not withstanding with the views of my father, I helped him. Fine. Yeah, I went out of the house and blah blah. अपने पिता के विचारों का समर्थन ना करते, उनके साथ ना होते हुए मैंने इस काम को किया, है ना। That way it is not withstanding. ये कह रहा है not withstanding his frequent indisposition. Frequent मतलब अक्सर, indisposition मतलब उसके पास समय नहीं होता था, कॉमा, ही डेलीजेंटली अटेंडेड ऑल द कोर्ट्स हियरिंग। उसने बहुत मेहनत से, डेलीजेंट मतलब होता है मेहनत, उसने बहुत मेहनत से सारी कोर्ट्स की हियरिंग को अटेंड किया। तो यहां पर कंजंक्शन मीनिंग वाइज रॉन्ग है और आपको बोलना चाहिए हालांकि उसके पास समय नहीं था, यद्यपि उसके पास समय नहीं था, तो इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट से सेंटेंस को आपको बोलना चाहिए था। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। फिर मुझे एक क्वेश्चन और दिख गया है और ये लास्ट क्वेश्चन है, है ना, इसको भी मैं लिख दे रहा हूं और आपको बता दे रहा हूं। स्ट्रिनुअस एज इट वॉज they went on with their task comma mein as it was ko underline hai aur hai since it was because it was
although it was, या no improvement. आपने पढ़ा होगा स्ट्रिनुअस, यानी कि ऐसा काम जो कि बहुत मेहनत मांगता है. स्ट्रिनुअस क्योंकि वो था, स्ट्रिनुअस क्योंकि वो था, वो उस काम को करते रहे. तो स्ट्रिनुअस वो था, वो उस काम को करते रहे, कोई मतलब बैठ ही नहीं रहा, फाइन. और क्योंकि स्ट्रिनुअस वो था, अगर कोई काम में मेहनत या बहुत मेहनत मांग रहा है तो क्या आप उसको करते रह जा रहे हैं, फाइन. तो अगर एज लगा सकते हैं तो सिंस भी लगा सकते हैं, बिकॉज भी लगा सकते हैं, तीनों की मीनिंग सेम है और तीनों ही मीनिंग में यहाँ पर नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि ये विरोध का वाक्य है. अगर कोई कार्य में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको वेंट ऑन नहीं करेंगे, यू विल स्टॉप डूइंग दैट वर्क, फाइन. सो यद्यपि से लगाओ, विरोध वाला वाक्य, यद्यपि वो काम मेहनत वाला था. अब याद करो, जब मैंने आपको ऑल्दो पढ़ाया है, ऑल्दो, तो मैंने इस प्रकार से आपको सेंटेंस को पढ़ाया है. आप ऑल्दो और दो का मेरा लेक्चर को देखिए, तो आंसर क्या होगा, यद्यपि इट वॉज, क्लियर. सो बच्चों, मैंने अपना कंजंक्शन का टॉपिक फिनिश कर दिया है, और जो बच्चे दिशा के हैं, जो मुझसे कनेक्टेड हैं, वो अपने इंटरैक्टिव सेशन में क्वेश्चंस पूछिए, मैं उनके आंसर्स आपको दूंगा. जो बच्चे नहीं भी जुड़े हैं, अगर वो चाहें तो रिलेवेंट क्वेश्चंस अपना यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो मैं उनके आंसर्स और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा. अब जो मैं सोच रहा हूँ, वो ये सोच रहा हूँ कि मैं नाउन से स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे नए हैं और हम लोगों का जो अभी 100 डेज, मोस्ट प्रोबेबली 100 डेज है, अभी देखते हैं क्या है. 100 डेज का जो टारगेट है, उसमें हम काफ़ी कुछ एरिया कवर कर ले जाएं, क्योंकि जो आपका मेंस वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो मैंने PQRS और क्लोज टेक्स्ट स्टार्ट कर दिया है, आपने एक लेक्चर उसका ले ही लिया है. मगर मैं जो अपने सारे स्टूडेंट हैं, जो अभी चाहे मेंस में हों और चाहे ना हों, अभी शुरुआत की पढ़ाई में हों, मैं चाह रहा हूँ उनको बेसिक से स्टार्ट करूँ. इसलिए मैं अब जो नया लेक्चर स्टार्ट करूंगा वो नाउन से होगा, है ना. तो मेरा अब की बार का टॉपिक नाउन होगा, और अगर कोई आप सजेशंस देना चाहेंगे तो आई एम ओपन टू इट, और फिर वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में. तो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू पीपल आर वेरी हेल्दी एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ.